कुछ तो राबता है इन वादियों से हमें, वरना यूं ही नहीं सुकून मिलता यहाँ इन पहाड़ों में आकर हमें। मेरा हमेशा से ही एक सपना था कि मेरा घर एक ऐसी जगह हो जहाँ पे सुबह की चाय मैं नदी के किनारे बैठकर पहाड़ों को देखते हुए पी सकूं। और हमेशा के लिए ना सही, बट कुछ दिनों के लिए मेरा ये सपना कसौल आकर पूरा हुआ। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं आपको कसौल की इन्हीं खूबसूरत वादियों का सफर करवाता हूं। कसौल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है और इसे मिनी इज़राइल नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली से कसौल पहुंचने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कसौल से नियरेस्ट एयरपोर्ट भुंतर एयरपोर्ट है, जो कि 35 किलोमीटर दूर है, और कसौल से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ है, जो कि अराउंड 250 किलोमीटर दूर है। और तीसरा ऑप्शन, जो कि मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन है, वो है खुद राइड करके दिल्ली से कसौल आना। दिल्ली से कसौल राइड अराउंड 12 आवर्स की होती है और आप ये एक दिन में इजीली पूरा कर सकते हैं। भुंतर से कसौल की जर्नी अराउंड 1 घंटे की रहेगी और ट्रस्ट मी, यहाँ के नज़ारे आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और ये है जरी। जरी भुंतर और कसौल के बीच में एक छोटा सा स्टेशन है, जो कि मलाना विलेज के रास्ते का स्टार्टिंग पॉइंट है। मलाना विलेज जरी से अराउंड 20 किलोमीटर्स दूर है और आप सब ने मलाना विलेज के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। मलाना विलेज को मैं अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगा। और ये है कसौल की मार्केट। कसौल को मिनी इज़राइल नाम से भी जाना जाता है और ये चीज़ आप यहाँ की मार्केट को देखकर इजीली पहचान सकते हैं। कसौल एक परफेक्ट ब्लेंड है कुल्लवी और इजरायली कल्चर का। कसौल में आपको देवदार के बहुत ही बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे और पार्वती रिवर के किनारे पर सिचुएटेड होने के कारण कसौल, तोश, मणिकरण और इस एंटायर रीजन को पार्वती वैली नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप भी कसौल, तोश, खीरगंगा या पार्वती वैली में कहीं भी घूमने आ रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए। पार्वती रिवर की एक साइड पर है कसौल तो दूसरी साइड पर है छलाल। आप जैसे ही छलाल ट्रैक शुरू करेंगे, साथ में बहती पार्वती नदी की ठंडी हवाएं आपको टोटली रिफ्रेश कर देंगी और आपका मन करेगा कि बस फॉरेस्ट के अंदर चलते ही रहें। और ट्रस्ट मी, ये एक्सपीरियंस वर्थ होगा। कसौल और छलाल में हिप्पी स्टाइल कैफेज, कॉटेजेस, कैंप्स और होटल्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पार्वती रिवर के व्यूज बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, बट जितनी खूबसूरत ये नदी है उतनी ही खतरनाक भी है, तो हो सके तो नदी किनारे थोड़ा साइड में बैठकर ही यहाँ के नज़ारे लें और नदी के ज्यादा नजदीक ना जाएं। पार्वती वैली ट्रैकर्स के लिए एक हेवन भी है, तो अगर आप भी ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो यहाँ पर आकर आप रसोल, ग्राहन, तोश या बहुत सारी ऐसी सुंदर जगहों का ट्रैक कर सकते हैं। पार्वती वैली में कोई एक जगह ही सबसे खूबसूरत जगह नहीं है। यहाँ पे आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे आपको नेचर की ब्यूटी हर जगह देखने को मिलेगी। अगर नज़ारों से हट के बात करें तो यहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग, नेचर पार्क और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कसौल का सफ़र ख़त्म होता है। अगली बार एक ऐसी ही खूबसूरत जगह के सफ़र पर फिर चलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।